हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 लेके आ चुके हैं, जिसके अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आगे के टॉपिक को डिस्कस करने के लिए सर्कुलर मोशन के क्या एप्लीकेशन होता है उसको डिस्कस करने के लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे ही होने वाला है, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, अच्छे से कंसेप्ट को डेवलप करना है, समझने की कोशिश करना है, और इस चैप्टर को बहुत ईजी बना देना, ओके। और साथ में आपको नोट्स भी प्रिपेयर करना है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो नाउ लेट अस बिगिन, ओके। सो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं सर्कुलर मोशन को अच्छी तरीके से समझने के लिए, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर बात करूँ, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसके लिए हम लोग एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ बना लिया, ठीक है। अब ये जो सर्कुलर पाथ आपको दिख रहा है, अब ये सर्कल है, इसीलिए सब लोगों को पता है एक सेंटर भी बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, हम लोग ने सेंटर भी बना लिया। अब हम लोग को रेडियस भी दिखाना पड़ेगा, हम लोग ने रेडियस भी दिखा लिया, ओके। अब सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जब भी मोशन होता है कोई भी, देखो यहाँ पे मोशन लिखा हुआ है, जब भी मोशन होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें टर्म्स होती हैं मोशन में वो होता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इवन डिस्प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि हमेशा जिस पॉइंट पे आप हो या पार्टिकल, उस पॉइंट को अगर आप टेंजेंट बनाते हो तो वो टेंजेंट हमेशा हम लोगों को वेलोसिटी के डायरेक्शन के बारे में बताता है। और एक वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो जहाँ पे आप खड़े रहते वहाँ से अगर आप एक टेंजेंट बनाते तो वो टेंजेंट आपको सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के डायरेक्शन के बारे में बताता है। वो टेंजेंट हम लोग को वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू कितना है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का डायरेक्शन है, क्लियर, ओके। अब हम लोगों ने ये भी देखा था, जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर में काम करता है, राइट। क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ACP, करेक्ट है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर आप देखोगे वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, और हम लोगों ने ये सीखा है, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आज से जान लेना है, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर, ये एक्सेलरेशन ये वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी को चेंज करेगा। रूल क्या है, एक्सेलरेशन का काम ही है वेलोसिटी को चेंज करना, और वेलोसिटी को दो तरीके से चेंज किया जा सकता है। ध्यान से देखोगे वेलोसिटी दो चीज़ से बना हुआ है, एक तो मैग्नीट्यूड से बना हुआ है और एक डायरेक्शन से बना हुआ है, क्लियर। एक मैग्नीट्यूड से बना है और एक डायरेक्शन से। तो जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऊपर काम करेगा तो एक्सेलरेशन का एक ही काम है वेलोसिटी को बदल देना, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी को दो तरीके से बदलेगा, या तो एक्सेलरेशन उसकी मैग्नीट्यूड चेंज करके वेलोसिटी को बदलेगा, या तो एक्सेलरेशन उसके डायरेक्शन को चेंज करके वेलोसिटी को बदलेगा, या तो एक्सेलरेशन दोनों को चेंज कर देगा, डायरेक्शन को भी और मैग्नीट्यूड को, और वेलोसिटी बदल जाएगा, राइट। लेकिन इसके लिए भी कुछ नियम है, एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, अगर एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, देन तो एक्सेलरेशन देन एक्सेलरेशन कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन, ओनली चेंज द डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को समझ में आए, कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी के सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर पाएगा एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन चेंज हुआ इसके लिए वेलोसिटी बदल गया क्योंकि उससे बना हुआ है, ओके। अगर मान लो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही लाइन में है, देखो ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, कोई भी केस ले सकते हैं आप, ये केस भी ले सकते हैं, वेलोसिटी है, एक सेकेंड हाँ, ये वेलोसिटी है और यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन, ये भी केस चलेगा, ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन, हम लोग डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर दोनों एक लाइन में है, सेम डायरेक्शन अपोजिट कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक लाइन में है तो एक्सेलरेशन तो काम कर रहा है ना, अगर एक्सेलरेशन इज पैरेलल या तो एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी, देन
देन एक्सेलरेशन कैन ओनली चेंज द मैग्नीट्यूड, ओनली चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको आपको समझ के रखना है। क्या हम लोग ने सीखा? हम लोग ने सीखा अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी को पैरेलल है तो वो एक्सेलरेशन सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदल पाएगा। देखो ये तो वेलोसिटी 5 है, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, वैल्यू चेंज होगा, डायरेक्शन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे, ये थोड़ा हम लोग अलग से डिस्कशन कर रहे थे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी देखो परपेंडिकुलर है, राइट? एक्सेलरेशन वेलोसिटी परपेंडिकुलर, देन इट कैन चेंज ओनली द डायरेक्शन, सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन जो ऐसे था अब ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे, और ये सर्कुलर मोशन बन जाएगा। लेकिन इसका स्पीड, इसका मैग्नीट्यूड, ये जो पार्टिकल यहाँ पे, इसके वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, अगर यहाँ पे जैसे ये 5 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको 5 मीटर पर सेकेंड दिखाई देगा, यहाँ पे भी आप देखोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड होगा, यहाँ पे आप चेक करोगे तो अगेन ये 5 मीटर पर सेकेंड होगा, यहाँ पे आप चेक करोगे तो भी 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि क्या है, यानी कि इसके मैग्नीट्यूड को कोई नहीं चेंज कर पा रहा, वेलोसिटी का वैल्यू चेंज ही नहीं हो रहा है, वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पे आप डायरेक्शन देखोगे तो टेंजेंट होगा, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है वेलोसिटी का, ये डायरेक्शन, ये सारे क्या है, वेलोसिटी है। लेकिन अगर आप इसके मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो ये मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड सब जगह सेम है, सेम है मैग्नीट्यूड। तो जब भी सर्कुलर मोशन हो रहा है और उसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि स्पीड सेम होता है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पीड। और अगर सिर्फ स्पीड चेंज होता है तो हम वैसे सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। क्या समझ में आया फिर से? अगर पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन तो कंपलसरी ये चेंज होगा ही, क्योंकि सर्कुलर मोशन नहीं होगा उसके बिना। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड वैल्यू स्पीड का बदल नहीं रहा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वैल्यू को चेंज करने वाला ये एक्सेलरेशन जो पैरेलल होता है, एक लाइन में होता है, वो नहीं है, सिर्फ परपेंडिकुलर ही एक्सेलरेशन सिस्टम है। तो जब परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होगा जो वेलोसिटी को, तो वो केस में हमेशा मोशन जो होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मैं डेफिनेशन क्या बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा द सर्कुलर मोशन इन विच स्पीड ऑफ द पार्टिकल, में वेलोसिटी नहीं बोलूंगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड की बात करूंगा वेलोसिटी के। स्पीड का मतलब होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, द सर्कुलर मोशन इन विच स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल रिमेन कॉन्स्टेंट, कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट, आ रहा बात समझ में, सेम रहेगा कॉन्स्टेंट, इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग प्यार से बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आ गया समझ में सब लोगों को, फटाफट यस लिख देना है कमेंट में। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसका उल्टा, इसके अंदर स्पीड चेंज होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, क्या डायरेक्शन नहीं चेंज होगा? डायरेक्शन को तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन नहीं चेंज होगा तो सर्कुलर मोशन बनता ही नहीं है। चलो तो आप फटाफट क्या करेंगे, वापस से एक फटाफट सर्कल बना लेंगे, कोई भी सर्कल चलेगा, जो कलर आपका फेवरेट है वो कलर का सर्कल बना लो, कोई दिक्कत नहीं हमें। अब सेंटर भी बनाएंगे, अब सेंटर बना लिए तो रेडियस भी बता देते हैं, चलो हो गया काम। चलो अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसका उल्टा, इसमें मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे पार्टिकल बैठा हुआ है, तो आपको पता है कि ये पार्टिकल भोला भाला सा जाना चाहता है कहाँ, स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि यही नियम है नेचर का, कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाता है, और इसको हम लोग प्यार से बोलेंगे ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ओके। और हमें ये भी पता है कि यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम कर रहा है सेंटर की तरफ, जो लगातार प्रयास करता है कि मैं वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता रहूँ, इसका यही काम है, दूसरा कोई काम धंधा नहीं। इसको ACP, इसको रेडियल एक्सेलरेशन AR से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे ACP की है। अब क्या होता है, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो थोड़ी सी बात अलग हो जाती है। क्या अलग हो जाती है, वो ये होता है कि और एक एक्सेलरेशन आ जाता है, और वो एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी के लाइन में काम करने लगता है, या तो इसके साथ में या तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, हर एक पॉइंट पे। तो ये जो एक्सेलरेशन आया इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि पॉइंट को टेंजेंट है। अब ये देखो ध्यान से,
ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के लाइन में है। इसके लिए हम लोग ने क्या सीखा था, जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के लाइन में होता है वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदल देता है। यानी कि अगर इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड था यानी मैग्नीट्यूड, तो अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो ये आपको 8 मीटर पर सेकेंड दिखाई देगा। आप इस पॉइंट पे देखोगे तो ये ज़्यादा ही दिखाई देगा, 9 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 12 मीटर पर सेकेंड दिखाई देगा। यानी कि ये एक्सेलरेशन जो लाइन में होता है वो हमेशा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदल देता है। तो अब क्या होगा, इस पॉइंट पे जो आपको वेलोसिटी दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, और हर एक केस में डायरेक्शन अगर बदल रहा है तो मैं बोलूँगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम कर रहा है। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये डायरेक्शन बदलने की कोशिश कर रहा है, ये क्या है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, ये भी क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन साथ में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहाँ पे भी एक टेंजेंशियल, यहाँ पे भी, और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको दिखाई दे रहा है ये भी है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये भी है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और ये क्या है, वी। ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिखाई दे, ये हर एक पॉइंट पे इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जा रहा है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। अगर ये टेंजेंशियल इधर काम करता उल्टे डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी और ये ऐसे काम कर रहा है, तो ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज कर देता, कम कर देता। लेकिन अभी सेम डायरेक्शन में साथ में काम कर रहा है, इसके लिए वैल्यू बढ़ेगा, तो डायरेक्शन भी चेंज होगा, क्योंकि सेंटर वाला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है परपेंडिकुलर वाला, तो वो डायरेक्शन को चेंज करेगा, और जो साथ में है वो किसको चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड को। तो अब मैं बोलूँगा ये जो मोशन हो रहा है इसके अंदर, इस सर्कुलर मोशन के अंदर मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का यानी कि स्पीड भी बदल रहा है, और ऐसे सर्कुलर मोशन जिसके अंदर स्पीड चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दो एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तो आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमेशा आपको किससे मिलेगा, वेक्टर सम से मिलेगा, उसका जो डायरेक्शन हो जाएगा। देखो अब इस पॉइंट पे अगर मैं बताऊं तो एक एक्सेलरेशन इधर, एक एक्सेलरेशन इधर, तो अब आपका जो फाइनल एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे काम करेगा वो कैसे मिलेगा, दो वेक्टर काम करे, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे मिलता है, कैसे मिलता है, परपेंडिकुलर, राइट, परपेंडिकुलर, सॉरी नॉट परपेंड, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे एक पैरेलल बनाओगे इसको, और इस वेक्टर को पैरेलल यहाँ पे बनाओगे, और आप देखोगे कि आपको जो फाइनल एक्सेलरेशन मिल रहा है वो ये है, और ये जो है आपका, ये आपका नेट एक्सेलरेशन है। कैसे बना है, ध्यान से देखो, आपके पास ये एक्सेलरेशन था, ये वाला सेंट्रीपिटल, ये आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। तो अब क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन, इसको यहाँ पे पैरेलल बनाऊंगा, इसको यहाँ पे पैरेलल बनाऊंगा, और ये पैरेललोग्राम दिख रहा है, इसके लिए जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, और ये आपका नेट एक्सेलरेशन उस पॉइंट पे उस पार्टिकल के ऊपर काम करेगा। इस पार्टिकल के ऊपर जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है वो ये वाला डायरेक्शन में काम करेगा। इस वाले केस में क्या होगा, एक एक्सेलरेशन देखो आपको यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ पे है, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा, ये आपका नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये नेट एक्सेलरेशन आप कैसे निकालोगे, एज इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी आप फाइंड करोगे, ए नेट इज इक्वल टू ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर, और इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको मिलेगा टोटल क्या, एक्सेलरेशन जो इस पर काम कर रहा है, और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए केस है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या बात समझ में आया, लिख लेते हैं। अब हम लोगों को समझ में आया है द सर्क्युलर मोशन इन विच स्पीड ऑफ द पार्टिकल चेंजेस इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, आई होप कि सबको समझ में आ रहा है बातें। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर थे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो हम लोगों ने इससे पहले देखा था। क्लियर, आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया। ऐसे ही अच्छी तरीके से कंसेप्ट डेवलप करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। द SM एकेडमी को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, अगर नहीं सब्सक्राइब किए लाइक करो, कमेंट करो, और सीखते रहो, जुड़े रहो हमारे साथ। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।